सब्सक्राइब करें ज्ञानी इनफ चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन देखने के लिए ऑटो एंड टेक वीडियो सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ आपके लिए ऑल न्यू होंडा CBR 250R का एक्चुअल शोरूम लुक, हाउ द बाइक लुक्स इन रियलिटी। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। साइड्स में, शॉर्ट्स में आपको इस बाइक के बारे में एक एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि इसका पावर क्या है, माइलेज क्या है, टॉर्क क्या है, जितनी भी एक कस्टमर को चाहिए होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा जो 2018 में डिफरेंट वेरियंट्स लॉन्च हुए हैं होंडा के, वो सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे मेरे चैनल पर, तो ज़रूर ट्यून इन करिएगा ज्ञानी इनफ पे। जैसे कि अभी हैक्स प्लेट लॉन्च हुई है, एक्टिवा लॉन्च हुई है, या एक्टिवा के जो डिफरेंट वेरियंट्स हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों चलते हैं पहले जो फ्रंट से, हमेशा जैसे हम लोग गाड़ी का फ्रंट पहले आपको दिखाते हैं, तो पूरा जो इसका फ्रंट लुक है आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पहले तो फिनिश है पूरी, आपको ये मैट फिनिश के ऊपर अवेलेबल है, यहाँ पे बहुत बढ़िया फिनिश लगती है। सामने से जो मेन हाईलाइट चेंज है वो आपको दिखता है यहाँ पे, जैसे कि इसका जो पूरा मेन हेडलैम्प है आपको LED पे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, पहले से बहुत ही उम्दा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। आपको ये कैसा लग रहा है ज़रूर शेयर करिएगा नीचे कमेंट्स में कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको इसका रिफ्रेश लुक कैसा लग रहा है ज़रूर शेयर करिएगा नीचे कमेंट्स में। अब दोस्तों चलते हैं इसके व्हील्स की तरफ, और जो इसके व्हील्स हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपके जो डिस्क ब्रेक हैं फाइबर के मिल जाते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपको बहुत ही एनहांस्ड ब्रेकिंग इसमें मिलती है। अगर एक साइड का प्रोफाइल लुक दे देता हूँ पूरा मैं आपको, तो साइड से पूरा इसका आप एक एज अ होल लुक ले लीजिए। तो यहाँ पे आप जैसे देखते हैं जो पूरे ग्राफिक्स हैं आपके CBR की, जो पूरी आपको ये ग्राफिक वर्क दिया गया है बहुत ही उम्दा लगता है, बहुत ही बढ़िया फील पे पूरा दिया गया है। ये साइड्स में जैसे आप पूरा जो ये ऑरेंज इनलेट्स देख रहे हैं, जो इसका मेन पूरी फेयरिंग है साइड की, बहुत बढ़िया लग रही है। इंजन कंपार्टमेंट की अगर बात करते हैं तो फुल डस्टी ब्लैक फिनिश के ऊपर आपको पूरा इंजन कंपार्टमेंट मिलता है। ओवरऑल जो प्रोफाइल आती है बाइक की और जो डिटेलिंग आती है उससे बहुत ही बढ़िया मैचिंग है, पूरा जो इसका ग्राफिक वर्क है, जो पूरा इसका डिज़ाइन है, फ्रेम है, बहुत बढ़िया लग रहा है। पीछे जो इसका डिस्क ब्रेक है वो अवेलेबल है आपको, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको आगे दिखाया था फाइबर के डिस्क ब्रेक आपको इसमें मिल जाते हैं। अगर पीछे की बात करते हैं एग्जॉस्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पूरा एग्जॉस्ट आपका है ये आपको डस्की फिनिश के ऊपर अवेलेबल है, जैसे कि पूरा फिनिश जो बाइक की है डस्की फिनिश के ऊपर ही दी गई है, जो मैट फिनिश भी आप लोग बोलते हैं। 250R की जो पूरी ब्रांडिंग है पीछे वो आपको अवेलेबल है यहाँ पे, जो आप देख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों बाइक के पीछे, और पीछे से पूरा जो इसका लुक है वो मैं आपको दे देता हूँ, तो आपको अच्छे से पूरे इसके डिज़ाइन का आइडिया लग जाएगा बैक साइड से भी, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसको। अब दोस्तों बाइक के दूसरी साइड आ गए हैं, तो दूसरी साइड से आप इसका पूरा एक एज अ होल लुक ले लीजिए। जो मेन स्टैंड है वो मिसिंग है, मेन स्टैंड इसमें नहीं आता है, आपको केवल साइड स्टैंड इसमें अवेलेबल होगा इस बाइक में। तो सारा मैंने आपको इसका एक ओवरव्यू तो दे दिया है, बाकी साइड्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी इस बाइक से रिलेटेड जो भी एक कस्टमर को चाहिए होती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब दोस्तों चलेंगे बाइक के ऊपर, और ऊपर से भी इसका एक पूरा लुक दे देता हूँ आपको, तो आपको अच्छे से पूरे इसके डिज़ाइन का आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं जो पूरे आपके ग्रैब हैंडल हैं, टोटल ओवरऑल डस्की फिनिश फॉलो की गई, डस्की स्कीम फॉलो की गई, ये बाइफरकेटेड वे में आपको मिलते हैं जो आपके पिलियन के लिए ग्रैब हैंडल हैं। बहुत बढ़िया फील आ रहा है इसको होल्ड करके। अभी आप अगर इसकी टेस्ट ड्राइव ले चुके हैं तो आप इस बाइक के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर शेयर करिएगा नीचे कमेंट्स में। तो इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसका जो पुराना वर्जन है वो ओन करते हैं तो उसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है आपका, वो भी ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। तो जो लोग इसका नया वर्जन ये लेना चाहते हैं तो उनको काफ़ी अच्छे से हेल्प हो जाती है। सीट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्पोर्ट्स बाइक है तो उसी हिसाब से पूरी आपको सीटिंग दी गई है। पीछे पिलियन के लिए जो सीट आपकी है बहुत ही एक हाइटेड सीट दी गई है, नीचे आपको काफ़ी सीट जो है वो काफ़ी नीचे है जैसे आप देख सकते हो, और जो बम्प है आपका वो आपको है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा खासा बम्प दिया गया है एक स्पोर्टी एग्रेसिव फील के लिए बाइक में जो राइडर है उसके लिए। जैसे आप देख रहे हैं पूरा जो आपका फ्यूल टैंक है यहाँ पे पूरा, जैसे मैंने बताया जो कलर स्कीम है सिंगल कलर स्कीम यहाँ पे फॉलो की गई है, जो डस्की ब्लैक फिनिश है, जो मैट फिनिश पूरी यहाँ पे दी गई है। होंडा की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे स्टिकर शेप में मिलती है, आपको क्रोम पे नहीं मिलती है, जैसे कि जनरली आजकल होंडा की बाइक्स में देखने को मिल रहा है।
अब दोस्तों चलेंगे जो इसका मेन हाईलाइट है, जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी है, जो इसका मेन लाइट, इसकी एलईडी लाइट के अलावा इसको मैंने चालू कर दिया है यहाँ पे। तो आपकी जो डिजिटल क्लॉक है, फ्यूल गेज है, इसके अलावा आपका स्पीडोमीटर है, आपका जो टेम्परेचर है, ट्रिप मीटर है, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं ब्लू लाइट पे। और जो आपका आरपीएम मीटर है वो आपको एनालॉग मिल जाता है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो। जो इसकी पूरी फील है, जैसे कि किसी एक उम्दा स्पोर्ट्स बाइक की फील होती है, वैसी पूरी आपको फील आएगा जब ये गाड़ी आप देखोगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बहुत ही बढ़िया फील पे पूरी बाइक दी गई है। बाकी जो नॉर्मल सिग्नलिंग है वो आपको मिल जाती है, जैसे आप देख सकते हैं। हैंडल्स की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो आपकी पास लाइट हो गई, हाई बीम लो बीम हो गया, टर्न इंडिकेटर्स हो गए, हॉर्न हो गया। इसके अलावा इधर आपका जो इंजन किल स्विच है वो आपको मिल जाता है, और आपका जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट है वो अवेलेबल है। दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने आपसे इस बाइक के बारे में 2018 CBR 250R की एक एक स्पेसिफिकेशंस आपको अब तक मिल गई होंगी, अगर आपने वीडियो पूरा ज़रूर देखा है। इसके अलावा आपको इन केस अगर लगता है कि मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इस बाइक के बारे में और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये बाइक कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर शेयर करिएगा मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये बाइक अच्छी लगी हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक लिए देखते रहिए ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूँगा और वीडियोज़ आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।